अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो हमारी कपड़ों के ऊपर आएगी कि सुन्नत तरीके के मुताबिक कपड़े पहनने हैं। तो आज माशाल्लाह मस्जिद में बच्चे आए हुए हैं, तो सोचा कि पहले उनके सामने ये काम किया जाए कि हम उनको भी फ़ायदा हो जाए और हम सबको भी फ़ायदा हो जाए। उसके लिए इंशाल्लाह बच्चों को बुलाएंगे, मस्जिद में ही खड़े हैं और इधर उनके सामने कपड़े पहनाएंगे, एक बच्चे को सुन्नत तरीके के मुताबिक बताएंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े हैं, वो शुरू करते हैं। इन मदरसों का है हम पर एक अजीम एहसान, ये इनके ही जरिए बाकी दीन और ईमान, ये दीन और ईमान। मदरसे से तिलावत जब सुनी बच्चों से जाती है। अब इंशाल्लाह कपड़े पहनाना सिखाएंगे और सबसे पहले लड़का जो है वो शलवार पहनेगा, फिर कमीज, और लड़की जो है वो पहले कमीज पहनेगी अपनी, उसके बाद शलवार। तो पहले शलवार पहनाना सिखाते हैं कि पहले कपड़ों को झाड़ देना है तीन मरतबा। अब मस्जिद में खड़े हैं, जोर से नहीं झाड़ेंगे कि ऐसे तीन मरतबा जोर से थोड़ा सा झाड़ दें ताकि इसमें से जो कोई बुरी चीज हो, कोई चीज ऐसे नुकसान पहुंचाने वाली हो, वो निकल जाए। उस ऐसी कोई चीज हो जो बैठ के उसमें वो निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि उसमें से कपड़ों में से छिपकली वगैरह निकल आती है। तो पहले क्या किया जाए, झाड़ लिया जाए पहले दोनों कमीज को भी और सलवार को भी झाड़ लिया जाए। उसके बाद पहले मतलब ये इसने कपड़े नहीं पहने हुए, अब ये शुरू से पहनेगा, पहले सलवार पहनेगा और सलवार पहनने से पहले तीन मरतबा इसको झाड़ लेगा। अब मस्जिद में खड़े इसलिए थोड़ा ऐसा मस्जिद का अदब करके, और पहले सलवार पहनी, सबसे पहले दाई दान जो डालनी है, पहले दाई उसके बाद फिर बाइंडा, ठीक है ना। अब ये पहनने का तरीका, सलवार को पहनने का तरीका हो गया। अब इसको जब निकालनी है तो क्या वक्त जब इस सलवार को निकालना है, हमने आपको निकालना है तो पहले हमें बाइंडा निकालनी है, बाइंडा निकालनी है, फिर उसके बाद मतलब जैसे पहना है उसको उलट करना है उसके। जब सलवार पहने, अब सलवार इसने पहन ली, ठीक है, इसके बाद हमने पहन लिया कमीज, कमीज को भी तीन मरतबा झाड़ेंगे। इसके बाद पहले हम दाएं बाजू पहनेंगे। आज एक ख्याल पाना नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, दाएं बाजू पहले दाएं बाजू पहनेंगे, उसके बाद बाएं बाजू, उसके बाद फिर हम सर में डालेंगे, फूटेंगे। तो ये हो गया है मील पहनने का तरीका। इसके बाद फिर जब हम निकालेंगे तो हमने पूरे कपड़े पहने हुए हैं, अगर पूरे कपड़े पहने हुए हैं, अब सलवार कमीज दोनों पहनी हुई है, तो पहले हम लड़के क्या निकालेंगे, कमीज, पहले क्या निकालेंगे, ऐसे उलट जाना है। अब बार बार आखिर में हमने कमीज पहनी, आखिर में हमने कमीज पहनी है, तो इसको पहले कमीज को निकालेंगे, कमीज को निकालेंगे और पहले कमीज निकालेंगे, और पहले कमीज ऐसे सर में से निकाल लेंगे, तब उसके बाद हमने पहले पहले कौन सा बाया बाजू निकालेंगे, फिर उसके बाद दाया बाजू निकालेंगे, या वो कमीज भी उतर गई। उसके बाद हमने सलवार को उतारा, उसके बाद ये है लड़कों के लिए, ये कैसे लड़कों के लिए। तो उसके बाद लड़कियों का खाना वगैरह या कुछ करना है तो पहले वो अपनी सलवार उतारेंगे, ऐसे पहले उल्टा पाँव फिर सीधा पाँव, जैसे कमीज को फिर बाद में कमीज को उतारना है, ठीक है ना, समझ आ गई है ना सबको। ये तरीका आपने अपने घर में भी बताना है अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को, कि हमारे जिम्मे है, ये क्या है हमारे जिम्मे। हम दूसरों तक जो फरमाते हैं जिसमें के मेरे पास बात पहुंची है उसको आगे जिम्मेदारी है उसकी, कि मैं उस बात को आगे पहुंचाऊं। जब कपड़े पहन लेंगे, इसने कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कसानी
هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. یہ دعا ہے کپڑے پہننے کی, اور اس پر ہم سب نے عمل کرنا ہے, اس پر ہم نے سب نے عمل کرنا ہے اپنے گھروں میں بھی بتانا ہے, ہم سب نے اپنے گھروں میں بتانا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا جی. اس طرح انشاءاللہ ہم اور ویڈیو بھی بنائیں گے کہ ہمیں بھی سنت طریقہ معلوم ہو جائے اور ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہو جائے. اس طرح کی ویڈیو اپنے پاس سیو کر لیں تاکہ ہمارے بچے ایسی ویڈیو دیکھیں, اور ایسی ویڈیو دیکھیں تاکہ ان کے اندر بھی دین آ جائے. انشاءاللہ یہ سنت طریقہ ہم آگے بھی پہنچائیں گے, دوسروں کو بھی شیئر کریں گے, اور ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.